अक्सर हमारे सबके घर में छिपकली होती है। आप आए दिन देखते रहते होंगे कि हमारे घर में या कमरे में छिपकली आपको दीवार पर चलती हुई नजर आ जाएगी। बहुत से लोग तो इससे डरते हैं, बल्कि देखा जाए तो घर के बच्चे भी छिपकली को देखकर कांपने लगते हैं। यूं कहें कि उनकी चीख निकल जाती है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह होती है कि छिपकली किसी को भी परेशान नहीं करती है। हालांकि देखा जाए तो यह कीड़े मकोड़े खाती है, जिसके चलते यह काफी ज्यादा जहरीली भी होती है, तो इसका डर भी सताने लगता है कि हमारे भोजन या किसी भी चीज में छिपकली कहीं गिर ना जाए, जिसके चलते जहर ना फैल जाए। लेकिन इसके बाद भी हम उसको भगाने की कोशिश करते हैं तो छिपकली भागती नहीं है, बल्कि दीवारों पर चिपक कर इधर उधर साइड में छिप जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं, छिपकली आपके घर में आने की कुछ संकेत देती है या आपको बुरे वक्त आने का भी इशारा करती है। चलिए आपको बताते हैं ऐसे ही तीन संकेत के बारे में जो छिपकली से जुड़े हुए हैं। छिपकली का मरना। घर में छिपकली आ जाए तो वह मरने वाली हो या मर जाए तो समझ लें कि आपके घर में नकारात्मक शक्तियों का साया है। छिपकली का घर में आना बुरी आत्माओं को बुलावा देता है। इससे मुक्ति पाने के लिए आप घर में पूजा पाठ जरूर करवाएं। छिपकली का भागना। आपने देखा होगा, जब छिपकली आपके घर में आती है तो कई बार वह खुद ही भागने लगती है, यानी कि आपके भागने से पहले ही या आपके भगाने से पहले ही वह दौड़ रही होती है, तो इसका साफ मतलब होता है कि आपके घर में धन की कमी होने वाली है, आपके काम बिगड़ने वाले हैं। छिपकली का आवाज देना। वैसे तो आपने कभी छिपकली की आवाज नहीं सुनी होगी, अमूमन देखा जाए तो छिपकली कोई आवाज करती भी नहीं है। लेकिन यदि जब भी छिपकली आवाज करती है तो मानो आपके घर में कोई भी नुकसान होने वाला है, या फिर छिपकली चुपचाप से इधर उधर घूमती रहती है या छिपने की कोशिश करती है और छिपने के बाद आवाज करती है, तो मानो आपके साथ कोई ना कोई दुर्घटना घटने वाली है। नेक्स्ट लाइन भक्ति सागर से आकाश की।